लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षर, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। तेज बारिश से हुए नुकसान व किसानों की खराब फसलों का सर्वे अभी तक नहीं हुआ, विरोध में भाजपा पार्टी ने प्रदेश भर में किया धरना प्रदर्शन। प्राथमिक शाला अमहार टोला के छात्र छात्राओं पर गिरी बिजली, घायल बच्चों को इलाज के लिए किया अस्पताल में भर्ती। सिलवानी विधायक की अगुवाई में बजरंग चौराहे पर किया सभा का आयोजन, रैली निकालते हुए पहुंचे तहसील कार्यालय, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश में तेज बारिश से आई प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान व किसानों की खराब फसलों का सर्वे अभी तक नहीं किए जाने के विरोध में व किसान ऋण माफी में छलावा करने के विरोध में भाजपा पार्टी द्वारा प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी को लेकर आज काला पीपल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सैकड़ों किसानों के साथ धरना प्रदर्शन किया। साथ ही कहा कि कांग्रेस के नेता केवल बाढ़ पीड़ितों के बीच नाव में बैठकर फोटो खिंचवाने का काम कर रहे हैं, उनकी समस्याओं से उनको कोई मतलब नहीं है। पूर्व में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों पर आए आपदा में तुरंत मुआवजा व सर्वे कार्य करने के निर्देश दिए थे, परंतु अभी तक प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने किसी भी जिले में सर्वे कार्य प्रारंभ नहीं किया। किसान पीड़ित है, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। धरना प्रदर्शन के माध्यम से किसानों की आवाज प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ तक पहुंचाने के लिए विधानसभा स्तर पर धरना प्रदर्शन कर रही है। काला पीपल से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे प्रदेश में प्रत्येक विधानसभा के ऊपर महामहिम राज्यपाल को धरना देकर के ज्ञापन देने का निर्णय किया था, उसी तारतम्य में आज हमने यहाँ कालापीपल विधानसभा के अंदर धरना दिया है। ये धरना मुख्य रूप से आज केवल और केवल कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने अपने वचन पत्र में किसानों के हित में जो जो वादे किए थे, उन किसानों के हित के वादों को याद दिलाकर उनको पूरा करने के लिए हमने धरना किया था, जिसमें कर्ज माफी एक ऐसे 21 बिंदुओं के साथ हमने, जो कि सम्माननीय पत्रकार बंधुओं को उपलब्ध कराएंगे, लेकिन 21 बिंदुओं के साथ हमने मांग की कि किसानों का जो कर्ज का आपने घोषणा की थी वो माफ करने का बोला था आपने, 2 लाख तक का वो माफ करो आप। भावांतर राशि का भुगतान हमारा नहीं हो पा रहा है, आप भावांतर राशि का भुगतान कीजिए, पिछली बार का अब तक का हुआ दीजिए। तीसरी हमने कुछ मांग की कि हमारे किसानों का जो केंद्र सरकार ने सम्मान निधि के रूप में जो पैसा दिया था, कम से कम वो हमें मिल जाए, इसके लिए आप अपना डिटेल किसानों का प्रदेश का वहाँ केंद्र को सौंपे। बिजली के बिल के बारे में हमने बात की कि बिजली के बिल की आपने हाफ करने की घोषणा की थी, लेकिन आज बिजली का बिल हाफ नहीं हुआ, बिजली ऑफ हो रही है। गांव गांव में अंधकार में पड़ा हुआ गांव, 12-12 घंटे कटौती है। हमने मांग की है कि बिजली के बिल को आधा करें, 5-5, 7-7 हज़ार का बिल लेके किसान बैठा हुआ है, फसल डूब चुकी है किसान के साथ में। एक बात हमने साथ में कही कि अतिवृष्टि के साथ में आपने केवल 2 जिले को मांगा है, अतिवृष्टि प्रभावित केवल 2 जिले माना है, 2 नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के 52 में से 32 जिले ऐसे हैं जो अतिवृष्टि के कारण से प्रभावित हुए हैं। आप जरा खेतों में जाकर देखिए कि अतिवृष्टि के कारण से हमारे काला पीपल विधानसभा क्षेत्र के कई गांव के अंदर सोयाबीन बांझ हो गई है, एक पौधे के अंदर 3-3, 4-4 फली लग रही, क्या उसको आप उत्पादन मानते हैं? हम किसान साथ में बैठ करके आज ये कांग्रेस को याद दिलाना चाहते हैं। बिरसिंहपुर पाली के गाँव बरहाई में प्राथमिक शाला अमहार टोला में अध्ययनरत छात्र छात्राओं पर आकाशीय बिजली गिर गई, आनन फानन में घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी मुताबिक मधु सिंह, सत्यम सिंह, दुर्गा प्रजापति, साक्षी सिंह उक्त घटना में घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही जिले के मुखिया कलेक्टर स्वरुचि सोमवंशी ने आदिवासी विकास विभाग के उपायुक्त आनंद राय सिन्हा को आदेशित किया, वे तुरंत अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना। इसी बीच कलेक्टर स्वरुचि सोमवंशी ने वीडियो कॉल कर बच्चों के हालत की जानकारी ली और सभी बच्चों से बात की। सभी बच्चों की हालत में सुधार है, उनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। उमरिया से राजकुमार गौतम की रिपोर्ट। नाम है आपका? ये कौन सा विद्यालय है? कौन से ग्राम में लगते हैं? किस पद पर है? ये जो भी यहाँ पर गाज गिरी है, लगभग कितने बजे घटना है? कितने बच्चे, क्या कुछ, कितने बच्चे घायल हैं? चार बच्चों को, चार बच्चों को, मतलब कक्षा 5 के 3 बच्चे हैं
क्या कोई यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी या शिक्षा विभाग का अधिकारी मौके पर आया था? जी सब आए थे सर। आए थे जी। बच्चों को कहाँ ले आए जो गंभीर रूप से घायल हैं? वैसे तो गंभीर रूप से बच्चे घायल ही, फिर भी यहाँ साथ के हॉस्पिटल में मतलब पाली में ले जाए गए हैं सर। पाली अस्पताल ले जाया गया है। अभी प्रशासनिक अधिकारी में कौन कौन यहाँ पे? बाकी कोई बड़े स्तर के अधिकारी अभी तक नहीं आया? आने वाले थे ना सर, कॉल आया था, बोले थे कि हम आ रहे हैं। बच्चे घायल की सूचना ये क्या है पूरा मामला सर? घायल नहीं हुए, एक पीएस के गेट पे बिजली गिरी और उसके जर्क से और उसकी आवाज़ से चार बच्चे शॉक में आए, लगातार हो चुकी स्थिति में, और हमारा स्टाफ इमीडिएटली वजह से खबर मिली और हमने कोऑर्डिनेट किया, बी और मैं दोनों हमारी मीटिंग थी, इमीडिएटली कैच करने उन लोगों को रवाना किया और आधे घंटे में हम लोग पाली पहुँच गए। तब तक यहाँ के स्टाफ बच्चों के यहाँ पर हॉस्पिटल में ले आए थे, उनको इनिशियल ट्रीटमेंट जल्दी मिल गया और बच्चे सब सुरक्षित हैं। अभी उनको खाना खिलाया गया है, अब उनको शायद ड्रिप दिया जाएगा, एक उसमें प्रिकॉशनरी ड्रिप दिया जाएगा, बाकी पूर्व लोक निर्माण मंत्री और वर्तमान सलवानी विधायक ठाकुर रामपाल सिंह की अगुवाई में बजरंग चौराहे पर सभा का आयोजन किया गया। इसके बाद बस स्टैंड से रैली निकालते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे, वहां एसडीएम संजय उपाध्याय को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश सरकार से बाढ़ पीड़ित किसानों को तत्काल मुआवजा प्रदान करने, कर्ज माफी की वादा खिलाफी पर ध्यान दिलाने, किसानों को समर्थन मूल्य दिलवाने, बिजली के बिल माफ करने, रबी की फसलों का बोनस देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। विधायक रामपाल सिंह ने सरकार से किसानों को अतिवृष्टि से हुए नुकसान का आंकलन कर राहत राशि एवं बीमा राशि दिलाने की मांग की है। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से खरीफ की सारी फसल चौपट हो गई है। सोयाबीन में पहले ही अफलन की स्थिति हो गई थी, अब तो पौधों की जड़ें तक सड़ चुकी है, जिससे किसानों की सारी मेहनत और लागत बेकार हो गई है। जिन किसान भाइयों ने गिलकी, लौकी, भिंडी आदि सब्जियों की खेती की है, उनको भी शत प्रतिशत नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। अतिवृष्टि से मकान धसक गए, सोयाबीन, तुअर, मूंग, धान फसलें चौपट हो गई, उनका तुरंत मुआवजा भी दिया जाए किसानों को, और जो सरकार ने वादा किया था ये 2 लाख माफ किए जाएंगे, 2 लाख रुपए तुरंत माफ किए जाएं और किसानों को फसल बीमा का भी लाभ मिले, क्योंकि किसानों ने राशि जमा नहीं की, 2-2 लाख के लोग, तो किसानों को पूरी सुविधाएं भी दी जाए किसानों को, और फसल बीमा का लाभ भी किसानों को तुरंत दिया जाए। और इसलिए पूरे क्षेत्र की जनता ने आज यहाँ के ये ज्ञापन महामहिम राज्यपाल जी के नाम दिया है। सोयाबीन की फसलें लेकर किसान आए, बिजली के बिल बढ़ के आ रहे, हम संबल योजना में 200 रुपए का बिल देते थे, पूरे बिल हमने माफ कर दिए थे, लेकिन इनके टपरियों वालों के 18,000 रुपए के बिल आ रहे, इन बिलों को माफ किया जाए और इस तरह की कार्रवाई को रोका जाए तत्काल प्रभाव से। ऐसे कई बिंदु किसानों के, नौजवानों के लेके आज हमने ये ज्ञापन भेजा है, इस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई नहीं होती तो तुरंत फिर बड़ा आंदोलन हम क्षेत्र में करेंगे। प्रदेश के कृषि, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री सचिन यादव गुरुवार को कसरावद विकास खंड के अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मगरखेड़ी, अधिर, धामनोत, रेगवा, बामंदी, साईखेड़ा, बलकवाड़ा, बरसलाय, बामखल, मुल्ठान, खामखेड़ा, पिपलगौन एवं माकरखेड़ा में पहुंचकर अतिवृष्टि से प्रभावित हुई फसलों को देखा। इस दौरान कृषि मंत्री ने किसानों से कहा कि आप चिंता ना करें, मानसून की इस मार से किसानों को भारने के पूरे पूरे प्रयास किए जाएंगे। सरकार किसानों का दर्द समझती है, इसलिए सरकार उनके साथ है। सबसे पहले फसलों का सर्वे कार्य कराया जाएगा, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। राहत राशि और बीमा दोनों दिलवाने के प्रयास करेंगे। इस दौरान कृषि मंत्री के साथ कलेक्टर गोपाल चंदाट, पुलिस अधीक्षक सुनील पांडे, कृषि संयुक्त संचालक रेवाराम सिसोदिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कसरावद तहसील से अजीत सूफी की रिपोर्ट। विगत दिनों अतिवर्षा के कारण हमारे प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हमारे किसान साथियों की फसलें प्रभावित होने की लगातार सूचना हमको प्राप्त हो रही है। हमने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं, जहां पर उनके मार्गदर्शन में हमारे राजस्व विभाग के, कृषि विभाग के का अमला उसकी एक टीम गठित की गई है, जो किसानों के बीच में जा कर के
उनकी फसल नुकसानी का आकलन करने का काम कर रहे हैं, उनका सर्वे करने का काम कर रहे हैं। अभी जो प्रारंभिक रिपोर्ट हमारे पास में जो आई है उसमें पूरे प्रदेश में लगभग 15 लाख हेक्टेयर जो है हमारे किसान साथियों की फसलें प्रभावित होने की सूचना हमको प्राप्त हुई है और लगभग 10,000 करोड़ का हमारी फसलों के नुकसान होने की सूचनाएं हमारे पास में प्राप्त हुई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जो है पूरी स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं और समय समय पर जो भी हमारे ज़मीनी अधिकारी हैं ज़मीनी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी समय समय पर दिए जा रहे हैं। बीमा कंपनी के लोगों को भी सचेत किया गया है और वो भी हमारे किसानों के बीच में जा कर के उनका भी सर्वे करने का काम किया जा रहा है। हमने केंद्र सरकार से लगभग 11,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि की हमने मांग करी है और हमें आशा उम्मीद है कि आज इस संकट की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में जो है, इस परेशानी की घड़ी में केंद्र सरकार आर्थिक मदद दे करके जो है हमारे किसानों के और हमारे जो बाढ़ प्रभावित हमारे जो मध्य प्रदेश के वासी हैं उनको सहायता देने का काम करेंगे। बुंदेलखंड के अति पिछड़े जिले हमीरपुर मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर भरुआ सुमेरपुर के गायत्री तपोभूमि के मैदान में भाजपा प्रत्याशी युवराज सिंह के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, अशोक कटारिया समेत सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन के पहले उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने संबोधन में जनता से कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय हित के लिए सोचती है, ना कि जातिवाद, परिवारवाद या अन्य के लिए। जनता को अपने देश या अपने क्षेत्र में विकास को गति देनी हो तो इधर उधर ना सोचते हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही जिताना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन से पहले बुंदेलखंड की धरती को नमन किया और नमन करते हुए कहा कि बुंदेलखंड के हमीरपुर जनपद में हमें इसके पहले भी आना था, लेकिन सुषमा स्वराज के निधन के कारण हमीरपुर नहीं आ पाए। मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड की धरती के प्रति हम भी अपनी गंभीरता को दिखाते हुए कहा कि हमारी सरकार बुंदेलखंड की धरती का पूरा कायाकल्प करके ही दम लेगी। बुंदेलखंड के सारे गांव में शुद्ध पानी एवं पेयजल के हमारी सरकार पहले ही योजना तैयार कर चुकी है और जल्द ही बुंदेलखंड को इसका नजराना भी देखने को मिलेगा। 2022 के पहले बुंदेलखंड की धरती को पानी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।